Mr. Modi, the basic question, just one question if you allow me to ask. 6.5 years, the commission report comes, only one part comes, tabled, the timing and why an incomplete report, why was the hurry? Yes, please, please. The best timing for political is before my assembly election. The best timing for me was before my assembly elections. Or before the Lok Sabha elections, if you look for a larger role. No, there is no Lok Sabha election nowadays. Lok Sabha, still 6 months are there. Till 6 months are there for the Lok Sabha election. So there is nothing to do with the political. Then, what type of report, when to give, it is up to the commission, not for me. But when commission gives the report, it is my duty in the first assembly session, I have to put into assembly. It's my constitutional duty that which I have done. Then another thing, this is first commission, uske point of reference ke andar, फर्स्ट टाइम कहा गया है, मेरी सरकार ने कहा है कि मुख्यमंत्री या मेरे मंत्रिपरिषद के कोई भी सदस्य का कोई भी इसमें शिकायत हो तो ये कमीशन उसकी भी जांच करे. वी आर फर्स्ट गवर्नमेंट जिसने मुख्यमंत्री को भी कमीशन के दायरे में डाला है. व्हेन टर्म्स ऑफ रेफरेंस में चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट का नाम है तो वो रिपोर्ट एक देते हो, तीन देते हो, छह देते हो, हरेक के अंदर उनको इस बात का जिक्र करना ही पड़ेगा जो उनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए हैं. जितने टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए हैं उसमें जो जो बातें उसे लिखनी पड़ेगी. टर्म्स ऑफ रेफरेंस में मोदी एंड मोदी की सरकार ने क्या किया, दैट इज देयर इन द टर्म्स ऑफ रेफरेंस. सो देयर इज वेल टू मेंशन कि यस व्हाट यस और नो व्हाट एवर ही हैज ही हैज टू मेंशन. सो इट इज नॉट दैट पार्ट वन में आया है और पार्ट टू में नहीं आएगा. नेचुरल हिज ड्यूटी ही विल हैव टू गिव इन द पार्ट टू ऑल्सो. मिस्टर मोदी, what about the comments made by Justice J.S. Verma? He was the NHRC chief appointed by your government and he's found fault with the Gujarat government at that time. उन्होंने अपनी बात कही, गुजरात सरकार ने कॉम्प्लाई किया है, सारी चीजें उनको लिख करके दी है. और मैं मानता हूं ये संविधान से चुनी हुई सरकार है, संविधान की बाइंडिंग है. हम अगर मान लीजिए मैंने गलत किया होता. But what is your one reply to Justice Verma? मैं बताता हूँ. हमने लिखित में दिया है, 400 पेज का डॉक्यूमेंट दिया है वर्मा को. दूसरी बात है, दिल्ली में तो सरकार मुझे प्रेम करने वाली है नहीं ना. अगर मेरी कोई गलती होती, साढ़े चार साल से दिल्ली में सरकार बैठी है, उनके पास जस्टिस वर्मा की कमेंट पड़ी है, उनके पास बाकी सेक्युलरिस्ट फोर्सेज जिनको कहते हैं जो गुजरात को तबाह करने पर तुले हैं वो बैठे हैं, गुजरात विरोधी लॉबी एक्टिव बैठी है, सारा मसाला दिल्ली सरकार के पास है. एक गुना मेरा होता, एक और हजार मील दूर भी कोई गलती से भी किसी ने गुनाह किया होता तो ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने कब को मुझे फांसी पर चढ़ा दिया होता. मुझ पे एक एक्शन उन्होंने लिया नहीं है. इसका मतलब है ये पॉलिटिकल एक्टिविटी वहां से हो रही है, यहां से नहीं हो रही है. यहां संविधान के तहत हो रही है, कानून के तहत हो रही है. और अगर नानावटी कमीशन, सिखों के राइट के संबंध में नानावटी कमीशन बोलता है तो कांग्रेस वाले नाच करके बोलते हैं बहुत अच्छा आया. लेकिन वही नानावटी कमीशन अगर गुजरात के लिए न्याय देता है तो उनको बुरा लगता है. ये दो तराजू देश में नहीं चल सकते हैं. मिस्टर मोदी, यू से दैट द कांग्रेस पार्टी एट द सेंटर हैजन टेकन एक्शन अगेंस्ट यू ऑन द गोधरा इशू, बट देर हैव बीन कमेंट्स दैट हैव कम फ्रॉम सीनियर लीडर्स ऑफ द कांग्रेस सेइंग दैट यू शुड बी एक्चुअली हैंग्ड फॉर व्हाट हैपेंड इन गुजरात इन 2002. कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि मोदी अगर किसी और देश में होते तो उनको फांसी लग जाती. ये कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान है क्योंकि उनके प्रवक्ता ने कहा है. मतलब कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी का ही बयान यह है. कांग्रेस के लिए मुझे ऐसे बयान से आश्चर्य नहीं हो रहा क्योंकि जो नेता बाहर से लाते हैं वो न्याय भी बाहर से लाने के लिए सोच रहे हैं. दूसरी बात है कि जब ये स्टेटमेंट करते हैं तो भारत की न्याय परंपरा पर वो बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाते हैं. उनको इतना समझना चाहिए कि भारत की न्याय प्रणाली का पर एक प्रकार से अविश्वास घोषित किया है और कांग्रेस जैसी पार्टी से ऐसी अपेक्षा नहीं है. तीसरी बात है, वो कहते हैं विदेश के लोग होते तो फांसी चढ़ा देते. जब हम आजादी का आंदोलन लड़ रहे थे तो सारे विदेशी जज यहां बैठते थे और हमारे देश के देशभक्तों को फांसी चढ़ाने का काम पहले भी हुआ है और अगर एक बार फिर हो जाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. और तीसरी बात है, हो सकता है शायद इनके मन में हो कि इटली का कोई कानून मुझे फांसी पे चढ़ा सकता है तो मैं कांग्रेस पार्टी को कहता हूं कि इटली के अंदर उनका अगर इरादा है तो जरूर मेरे पर मुकदमा चलाएं और मुझे फांसी दे दें.
लेकिन मेरी एक आग्रह रहेगा, जब जो भी सरकार इस समय यहां हो, अगर मुझे फांसी लगती भी है, लेकिन फांसी देने का कार्यक्रम हिंदुस्तान की धरती पर होना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी आखिरी सांस में हिंदुस्तान के 100 करोड़ नागरिकों के पसीने की महक हो और उसको लेकर के मैं ऊपर जाना चाहता हूं। बट मिस्टर मोदी, व्हाई डू यू रिएक्ट सो पर्सनली टू एनीथिंग दैट द कांग्रेस सेज, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सोनिया गांधी? वी सॉ दैट ड्यूरिंग द गुजरात इलेक्शंस व्हेन देयर वाज दिस एंटायर कंट्रोवर्सी ओवर मौत के सौदागर एंड नाउ दिस, व्हाई डू यू रिएक्ट सो पर्सनली? इट्स नॉट पर्सनली। व्हेन ए स्पोक्समैन से एनीथिंग, इट मीन्स ए पार्टी स्पीक्स। व्हेन पार्टी स्पीक्स, द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल इज ए पार्टी प्रेसिडेंट, एंड दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्टी प्रेसिडेंट। It's not personal. I have not said anything about Congress president. 2009, will we see a more active Narendra Modi in general elections? देखिए, चुनाव के अंदर सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपनी पूरी ताकत अजमाती हैं। भारतीय जनता पार्टी भी पूरी ताकत अजमाएगी। हम भी नेशनल पॉलिटिक्स में गुजरात का झंडा ऊंचा रखने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। No further role that you have planned for yourself because you are considered as number two after Mr. L.K. Advani. देखिए, मैं गुजरात में हूं तो भी दिल्ली के मीडिया मेरे से बात करते हैं, तो दिल्ली से लोग मुझे भी मिलते हैं, अच्छी बात है। Obviously, you don't want to commit yourself to more than just this because clearly for the BJP, there's not just competition from the Congress, but competition within the BJP on who's going to succeed Mr. L.K. Advani. But thank you for talking abhi, to us. Abhi hamara ek agenda hai, Advani ji success ho. Thank you so much for joining us, Mr. Modi. Thank you. Pleasure thank talking you. To you. Thank you.